दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम कराची पर मौजूद हैं और मेरे अकब में जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये रंग दे कराची एक एनजीओ है जो कि इस पर पार्टिसिपेट करा रहे हैं मुख्तलिफ़ नौजवान तलबा और तालबात से, ताकि कराची की दीवारों को साफ़ सुथरा किया जा सके। ईशा सुफियान। ईशा सुफियान साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग कराची की दीवारों को रंग रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा पॉइंट यही है कि हम लोग कराची को खूबसूरत बनाएं, इसकी दीवारों को रंगीन बनाएं। अच्छा, ये आप मतलब जो आप काम कर रहे हैं, इस हवाले से कर रहे हैं, इसकी फाउंडर कौन है और इसका नाम क्या है? जी, दिस इज़ एन NGO जो है रंग दे कराची के नाम से, और इनके फाउंडर हैं जुहेब अहमद और कन्वीनियर जो हैं वो अफशीन आबिद हैं। कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। अच्छा, और हमारी पूरी टीम है इसके पीछे, पूरी मैनेजमेंट की, और हम लोग के पास 2,000-3,000 से ऊपर के वॉलंटियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची में। हर एरिया के लिहाज से हम लोग काफ़ी काम कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा एक आई थिंक 8th, 9th project है हमारा। ये पूरी कराची में ऐसा करना चाहते हैं जी, इंशाल्लाह। मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया है? नहीं नहीं, हम लोगों ने स्टार्ट लिया था बोर्ड बेसन से। अच्छा, हमारी पहली वॉल बोर्ड बेसन पे थी, फिर दूसरी वॉल तीन तलवार पे ग्लास टावर के बिल्कुल साथ वाली थी। ये सिर्फ कराची में ही करना है, करेंगे या कहीं और भी करेंगे? इंशाल्लाह कराची से शुरुआत किए, पूरे पाकिस्तान को करेंगे। चले इंशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करें। थैंक यू सो मच। अहमद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये रंग दे कराची के फाउंडर हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे दीवारों पर, किस किस्म का काम कर रहे हैं? ये हम लोग कराची को खूबसूरत बनाने के लिए कैंपेन स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग कराची के डिफरेंट वॉल्स के ऊपर क्या है पेंटिंग कर रहे हैं, ताकि कराची में जितनी भी वॉल चौकिंग है वो खत्म हो और एक खूबसूरत दीवारें हमें नजर आए। अच्छा, ये सिर्फ कराची में ही होगा या पूरे पाकिस्तान में? आप इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो क्या है, जितनी भी वॉल चौकिंग वो कराची के अंदर ही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है नहीं। तो पहले मेन फोकस हमारा कराची है, उसके बाद दूसरे शहर है इंशाल्लाह। अच्छा, ये किस लोकेशन पे खड़े हैं? ये तो हम लोग कारसाज पर है, नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने मौजूद है, और ये पूरी हम लोग क्या 20,000 square feet एरिया हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अच्छा, आपने यहीं से शुरुआत की या पहले भी यहाँ से कहीं कर चुके हैं? नहीं, हम लोग ये हम लोग जो काम है नवंबर 2020 से कर रहे हैं, जबकि इसको क्या है काफ़ी महीने हो गए हैं और डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग काम कर चुके हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जाना मरियम। आपका नाम? अरीबा। अच्छा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये हम लोग सिंध कल्चर पे वर्क कर रहे हैं। असल में हम लोगों का जो है कराची के बिग वॉल आर्ट का कॉम्पिटिशन था, तो हम लोगों ने रंग दे कराची वालों के साथ पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, आप बताएं। हमने थीम चूज़ की है कल्चर की, क्योंकि हमने अपने थीम के हिसाब से अपने काम को लेके चला है, और ये पार्ट कॉन्टेस्ट था एक जिस पे हमने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए हम उस पे काम कर रहे हैं। ये वजह है कि आखिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है हम चाहते हैं कि कलरफुल हो जाए पूरी कराची, कराची कलरफुल हो जाए और सारी वॉल्स अच्छी हो जाए। ये सिर्फ कराची में कर रहे हैं और कराची से बाहर भी आता खुद? नहीं, अभी तो कराची में ही है, उसके बाद कराची से बाहर भी जाएंगे हम लोग। अगर हम लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग आगे जाते हैं, तो फिर हम लोग कराची से बाहर भी जाते काम करेंगे। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और मैं टीम रंग दे कराची का एक आर्टिस्ट हूँ। तो ये रंग ये क्या कर रहे हैं आप? जी, हमारा अज़्म है, हमारा मिशन ये है कि कराची की जो दीवारें हैं उनको एक नया चेहरा दिया जाए, एक नई डिज़ाइन दी जाए। हम कराची को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन देखना चाहते हैं। अच्छा। इस वजह से हमने आज कुछ थीम्स के ऊपर, जैसे कि कैलीग्राफी है हमारे पास, थीम्स है अवेयरनेस के ऊपर, तो इनके ऊपर हमने आज वॉल आर्ट का स्टार्ट किया है, जैसे आप देख सकते हो। तो मेरा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब कि पीने के बाद आप ड्राइव ना करें। बेशक जिनकी आदत है वो पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद ड्राइव ना करें। तो ये मतलब आप कहीं किसी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है? जी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर तमाम यंग लड़के लड़कियां जो हैं एक साथ काम करते हैं, और कराची के लिए हम काम कर रहे हैं, और आगे चल के हमारा है कि हम सोच रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए हम काम करें। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? रंग दे कराची। रंग दे कराची जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनाया शेख। अनाया शेख जी। अनाया शेख साहब, ये आप लोग तो किस हवाले से काम कर रहे हैं? जी एक्चुअली हमारी कल्चर थीम है और उसी पे हमने सिंथ के अंदर ये सेलेक्ट किया है। अच्छा, ये इसका नाम क्या है? बिटशाक होता है। बिटशाक। बिटशाक से आप ये बना रहे हैं? तो रंग दे कराची इसका वो जी उन्होंने स्पॉन्सर किया हमें। उसने स्पॉन्सर किया है जी। तो आप ये क्या पैगाम देना चाहते हैं इससे? हम बस ये यानी कराची को थोड़ा सा अच्छा लुक, साफ सुथरा लुक देने के लिए हम वॉल पेंट्स कर रहे हैं। बाकी एक ये बात बोलूँगी कि अब कराची की आवाम भाई इन दीवारों को इसी तरह का रहने दें, खराब ना करें, इनको खराब ना करो, इसी तरह साफ सुथरा रहने दें, तो हमारी कराची को भी एक ब्यूटीफुल सा लुक रहेगा। चलिए अच्छी बात, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम बरहा अहमद है। बरहा अहमद, रंग दे कराची के सिलसिले में जो आप लोग ये काम कर रहे हैं इससे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम बस ये देना चाहूँगी अपनी आवाम को कि जैसे हमें अप्रिशिएट कर रही है, इनका बहुत शुक्रिया है, ये लोग हमसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं इस काम के बदले में। बस ये पैगाम देना है कि इसको ऐसी साफ़ सुथरा रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, इसके ऊपर कचरा वगैरह ना फेंकें और बस। अच्छा, इश्तहार वगैरह ना? हाँ बस, इसके ऊपर इश्तहार वगैरह ना लगाएं, पेपर ना पोस्ट करें, इनका ख्याल रखें, क्योंकि बहुत मेहनत से हुआ है ये काम, चार दिन लगा के। चले, थैंक यू। थैंक यू।
व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।